बेटियां हैं। आप ये जरूर चाहते हैं कि भाई मेरा बेटा तलाक दे दे, बस नहीं होगा वह। लेकिन अब बेटे को तो आप तलाक दिलवा देते हैं, आप चाहते हैं मेरी बेटी की फौरन शादी हो जाए, चाहे दूसरी हो, लेकिन अपने बेटे को तलाक यास्ता से शादी नहीं करने देते आप। क्या यार डबल स्टैंडर्ड है यार। बिल्कुल क्या जी आप माने में शायन हनमंगल, मेरा सवाल सर से है कि सर आपने जब सिंगिंग या म्यूजिक का आगाज किया तो आपका फेवरेट योनरा कौन सा था? हम जब बड़े हो रहे थे टीवी शीवी तो था नहीं, हम रेडियो सुनते थे, कैसेट सुनते थे, पॉपुलर गाना जो दिल को लग जाए। मैं आज भी दिल का आदमी हूँ, जो दिल को चीज पसंद आ जाए वो आ जाए, मुझे इससे क्या कि किसी को पसंद आए ना आए। माहौल का बड़ा, मुझे याद है यूनिवर्सिटी में अल्लाह देता फैमिली बहुत बड़ा नाम है म्यूजिक का, अख्तर अल्लाह देता, अभी इंतकाल हो जावेद अल्लाह देता, तो इशरत मेरा क्लास फेलो था। तो हम जब यूनिवर्सिटी में खड़े होते थे तो बारिश शुरू हो गई तो हमने गाना शुरू कर दिया खड़े होकर, अजो ना आए बालमा सावन बीता जाए, तो इस तरह के गाने मतलब जो हमें मौका चाहिए होता था गाने का ना, एंड फॉर द फन ऑफ इट। तो जॉनरा बेटा जो आप निभा सकें, कोई भी काम जैसे जैसे समझ आता है ना आदमी उससे पीछे होता चला जाता है कि ओहो। किसी ने पूछा आपने अब गाना कम कर दिया, मैंने कहा अब समझ आने लग गया है। तो जब समझ आने लग जाए ना तो आदमी कहता है ओ तो भंड मार रहा था मैं यार, चुप कर जाओ, शट अप हो जाओ, तो आदमी बस खामोश होता है। जॉनरा साहब सब अच्छे हैं जी भाई। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ अब्दुल मोइज और मेरा क्वेश्चन मैम से है कि आपको किस डायरेक्टर या राइटर के प्रोजेक्ट में काम करने का शौक है? आई स्टार्टेड माय करियर वर्किंग विद काशिफ निसार और दो प्रोजेक्ट्स में उनके साथ कर चुकी हूँ। तो हमेशा मेरी ख्वाहिश रहती है कि मैं, क्योंकि रहती भी मैं लाहौर में हूँ, तो अच्छा जी तो मैं चाहती हूँ कि मैं काशिफ निसार के साथ करूं दोबारा। कोई अभी दोबारा भी काशिफ भाई हैं, काशिफ भाई के लिए क्लैप सर, वो बबल दे रहे हैं। अंग्रेजी जवाब दिता, मैं हल्का जा रोह बंदा कटिया फिर हेलीकॉप्टर जी सर पर हल्का हल्का मैं तेल दिता है, दो सैल मंगा के पाए ने, मैं क्या बच्चों खेडो मैं आया कटिया फिर अपना जीरो मीटर डाला, अच्छा काले शीशियां वाला नवा डाला, क्या बात, कटिया फिर मैं हैदराबाद एक्सप्रेस वे दे उत्ते गया, फिर पी पहुंचे सीएम हाउस, वाह वाह मारे सलूट ते नाश्ता कर रहे सन, ओके ते एक उबले अंडा बस okay. मैं सर एक उबला अंडा खा रहे हो हाँ। मैंने कहने हजार जाली अंडों से बेहतर है एक देसी अंडा खाया जाए, ठीक है कहने देखो जरा गोल्डन येलो जर्दी है कि नहीं, नहीं मैं क्या सर है तो असली एक नंबर हैगा बिल्कुल, ते मैं क्या हुक्म सर जी, कहने नहीं यार थोड़ी सी प्रॉब्लम है, वो क्या, ये जो पंजाब है ना हाँ। मरीम नवाज से पता नाम ले रहे okay. ये जो पंजाब है ना बड़े प्रोजेक्ट अनाउंस कर रहा है हाँ। हल्की हल्की शर्मिंदगी हो रही है oh. मैं क्या मसलन सर उन्होंने की कीता हाँ। कहने धीराणी प्रोजेक्ट oh. हिम्मत कार्ड oh. बच्चियों के लिए स्कूटियां oh. और लाइफ स्टॉक कार्ड oh. और किसानों के लिए बिला सूद कर्जे oh. तड़ा तड़ प्रोजेक्ट अनाउंस oh. हो रहे हैं, ये तो है। ते यार निर्गोली को एक प्रोजेक्ट दस हाँ। अनाउंस करिए तो सिंधी बले बले हो जाए, मैं क्या सर जिसने तुम खा रहे सो ना एक देसी अंडा जेन च मेरे उदो ही आ गया सी, तुसी मैं क्या एक प्रोजेक्ट अनाउंस करना है हाँ। थोड़ा खाओ तो सुथरा खाओ ओ माशाल्लाह रूबी अनम साहबा नहीं घबरा गया हूँ आपका यार, हम सफर जिस दिन मैं वेखिया ना खुदा मेरा दिल करे मैं कदरे मिल जान ते मारा जफी सर कुत्ते 30,000 ते ड्रामा है मैं कहना जिहड़ा भी करैक्टर कीता है लाजवाब कीता, लाजवाब नहीं लाजवाब, माशाल्लाह साढ़े बच्चे नु ट्रेन कर रहे ने सर, आवाज भी ऐसी के कख भी नहीं आ,
सर सामने वाला बंदा कख भी नहीं, सामने वाला बंदा सर जिथे भी आवाज निकली नहीं करके इंज लहरा भी हल्किया हल्किया डांस करन लग गए मेरे हिसार दे विच अल्लाह ने बेशुमार सिमा पाईयां माशाल्लाह और 100 crore GB दा कार्ड पाया लिखदे भी कमाल ने गांदे भी कमाल ने और बंदे भी कमाल क्या बात जदों भी मैं मिलन गया नहीं मिले सर सिक्योरिटी होंदी है ना उत्थे जान ही ना सानू दिंदे ते माशाल्लाह फजर जी आए ने जी जी ते दसिए ही नहीं ऐसे कमाल एक्ट्रेस और मॉडल है ने माशाल्लाह ते खैर नाल आए ने जी बुलाया वो तुसी नहीं। रोटी तो बगैर नहीं जाना अरे नहीं यार नहीं 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 अरे सर जी एक फोटो भाई जन नाल मैं प्लीज उनसे पूछना पड़ेगा प्लीज यार यू हैव टू आस्क हल्का जब तुसी कहोगे ना फिर मैं नहीं आप खुद पूछ सर क्या आप यस ऑफ कोर्स ओ देख लो थोड़ा अदब कर देने तुसी हम एज जे कौन मैं थोड़ी पर यंग जनरेशन 5G इंज ना करया कर परसों भी तेरे धागे टूट गए सन सर जदों दा जिम जान लगा ना ओए होए होए लोकां दे 6 ऐप हुंदे ने मेरे 13 ने अच्छा सर जी ऐसियां चांपां हैगियां ने जदों तुहाडा दिल करे करके पियानो बजा दे जी सर सर जी माशाल्लाह थैंक यू सर क्या बात है सर है ही प्यारे ने मैडम कहना ही अवे वन बिकॉज नाउ आई एम ऑन द सोशल मीडिया कल कट देना यार क्यों मेरी सोशल मीडिया कट देना क्यों क्यों यार गवर्नमेंट की मुलाजमीन तो पाबंदी हैगी हाँ फिर सर्विस से यार मसला पैंदा हैगा आप क्या छुपके यूज करते हैं छुपके की मतलब मैं अहीं करके फोटो बनाई सर जी दसो की खाना पीना प्लीज नहीं सर वासे साहब के साथ आए इन्हें को मेहमान हो जी चलो फिर मुबारक हो भुखे ही जाओ वेलकम बैक जी बताइए अस्सलाम वालेकुम सर मेरा नाम हफीज़ रहमान है मेरा क्वेश्चन सर आपसे है कि सर कभी ऐसा हुआ है कि कभी आपने कोई प्रोजेक्ट किया हो और बाद में आपको रिग्रेट किया हो नहीं बेटा मैं कभी लाइफ में रिग्रेट नहीं करता लाइफ एक्सपीरियंस है गुजार दो छोड़ो ये इसलिए थोड़ी जिंदगी मिली है नया दिन मिल गया था पिछले कल को रोएंगे बैठ के नहीं नहीं कोई रिग्रेट नहीं है जियो मजे करो क्या बात जी सर मेरा नाम मुर्तजा है मेरा सवाल आपसे ये है कि आप अदाकार भी हैं और सिंगर भी हैं और उस्ताद भी तो इन सब प्रोफेशन में से आपका सबसे फेवरेट कौन सा टीचिंग मुझे पसंद है ऑब्वियसली जैसे कहते हैं ना एक पिक्चर के मुख्तलिफ रुख हैं ये हम अदाकारी तो 24 घंटे कर रहे थे अभी मैं एक गेस्ट की अदाकारी कर रहा हूँ ये होस्ट की अदाकारी कर रही हैं कमेडियन की अदाकारी कर रही हैं हीरोइन की अदाकारी कर रही हैं तो म्यूजिशियन की अदाकारी वी आर ऑलवेज एक्टिंग ऑलवेज हम रोल प्ले में जाते हैं अभी कोई कहे शादी होने वाली तो आपके दिमाग में आ गया यार अब्बा की तरह बनूंगा चाचा की तरह नहीं मामू मेरे बड़े अच्छे दूल्हा बने थे मामू की तरह तो वी आर ऑलवेज यू नो एक्टिंग ते मामू भावे बरात वाले दिन नाल ही चिट गया हाँ मतलब मर्जी ना शौक उन्हें लग गया मामू जहा हो गया वो तो बात यह कि एक्टिंग और ये सब एक चीज़ें हैं जी अस्सलाम वालेकुम मेरा नाम आदिल है और मैं पोएट्री का एक वर्स आपके सामने पेश करना चाहता हूँ आदिल पोएट्री किन की है ज्यादातर मैं जो पोएट्री पढ़ता हूँ ना रक्षा के पीछे पढ़ता हूँ बुक्स नहीं नहीं आ, नहीं बुक्स मैंने देखा है मैंने बाय करने की कोशिश की है लेकिन ज्यादातर एक्सपेंसिव बुक्स है आजकल पिंटरेस्ट एक ऐप है वहाँ पर पोएट्री होती है लेकिन वहाँ पर पोएट्री का ये है कि आपको ये श्योरिटी ही नहीं होती कि ये असल में भी इन शायर की पोइट्री है या नहीं ठीक है तो क्लेमेंट कौन थे जो आप शेर पढ़ने लगे इनका? ये गालिब का गालिब का चले ये तो खालिद भाई बता देंगे कि गालिब का है या नहीं है जी जी पढ़िए ये आप फजर के लिए पढ़ रहे हैं नहीं 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 ये जनरली ये हवाई फायरिंग होने लगी वो बेवफा ना था उसे बदनाम ना कर गालिब वो बेवफा ना था उसे बदनाम ना कर गालिब हजारों लोग उसके पीछे थे हजारों लोग उसके पीछे थे और मैं भी उसके पीछे था वो किस किस से वफा करता हम उसके पीछे थे वो हमारे पीछे था और मैं उसके पीछे था हम किस किस से वफा करते वो हमारे पीछे थे दिया लगता है मुझे शेर एक चीज तो कंफर्म है कि मिर्जा असदुल्लाह खान गालिब साहब नहीं है ये कोई और गालिब हो सकते हैं जिन्होंने खवाल हो सकता है